बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर इस कदर बरपा है कि हालात बेकाबू होने लगे हैं। किसानों की फसलें चौपट हो चुकी है, गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं, कई नदियां उफान पर हैं, डैम खोले जा चुके हैं जिससे बाढ़ का संकट गंभीर हो गया है। कहीं बहाव में फंस गई गाड़ी, कहीं शहर दरिया हो गया है, लबालब भर गए हैं बांध, किनारों को तोड़कर शहर में घुस आई हैं नदियां। मध्य प्रदेश और गुजरात में बादल मनमानी कर रहे हैं। सबसे पहले गुजरात के सुरेंद्र नगर की तस्वीरें देखिए, यहां बहाव में ये गाड़ी फंस गई। एक पल के लिए तो गाड़ी में बैठे लोगों की जान हलक में अटक गई। वो तो गांव वालों ने तेजी दिखाई और समय रहते गाड़ी में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के गीर की तस्वीरें बताती हैं कि शहर समंदर हो गया है, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। गुजरात के ही बोटाद में 24 घंटे की बरसात ने नदियों को खतरे के निशान से ऊपर ला दिया है, यहां हालात बिगड़ रहे हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की तस्वीरें देखिए, यहां भी बरसात ने जिंदगी पर संकट ला दिया है। एमपी की राजधानी भोपाल का हाल देखिए, लगातार बारिश से सबसे बड़े तालाब में पानी भर गया है। बड़े तालाब का पानी पास के चिरायू अस्पताल में भी आ गया। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर देखिए, यहां इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोलने से नर्मदा नदी उफान पर है। बारिश से महेश्वर का ऐतिहासिक अहल्या घाट डूब चुका है, नर्मदा मंदिर सहित कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। यहां नर्मदा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। एक दिन पहले रायसेन में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का दौरा किया। रायसेन के बाड़ी बरेली में कई जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं। यहां भी बारना बांध के 8 गेट खोले जाने से जलस्तर बढ़ गया है। दौरे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 1999 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई, अभी तक 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पैंच नदी और बाकी नदियों में क्योंकि बांध सारे फुल थे, बांधों का पानी छोड़ा गया, बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीमों को सक्रिय किया। कल ही हमने एयरफोर्स से भी आग्रह किया कि एयर लिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी, और सबके सम्मिलित प्रयासों से पिछले 2 दिनों में 12 जिलों के 454 गांव से 7,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हमने बाहर निकाला। एमपी के अलावा यूपी और बिहार के हिस्से में भी बाढ़ के हालात हैं। अगस्त खत्म होने को है मगर बादलों की मनमानी जारी है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।